ये सफ़र मेरा शुरू हुआ था 2016 में, और तब से ये बढ़ते ही जा रहा है। मैंने काफ़ी मेडिसिन भी किया और काफ़ी डॉक्टर से भी दिखाया मैंने। इसके पहले भी मैं QHT में कराया था ट्रांसप्लांट करवाने, लेकिन उस टाइम कुछ प्रॉब्लम की वजह से मेरा हो नहीं पाया था। मुझे भी आने से पहले काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन आने के बाद करवाने के बाद मुझे पता चले काफ़ी सेफ प्रोसीजर है। लेकिन करवाने के बाद सिर्फ मुझे एनेस्थीसिया के इंजेक्शन टाइम डर लगा। वेलकम बैक व्यूअर्स टू योर वेरी ओन QHT क्लिनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म। QHT में आपको मिलेंगे ट्रांसफॉर्मेटिव और ऑ इंस्पायरिंग हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स। तो यहाँ से शुरू होती है आपके न्यू यू बनने की जर्नी की शुरुआत। आज के वीडियो में हम मिलने वाले हैं हमारे एक ऐसे पेशेंट से जो पिछले कुछ सालों से हेयर फॉल का सामना कर रहे थे। अब उनका ये हेयर फॉल बदल चुका है सीवियर नॉर्वुड ग्रेड 6 बॉल्डनेस में, और अब हमारे पेशेंट को तलाश थी एक ट्रस्टेड क्लिनिक की। हमारे पेशेंट ने पहले भी कुछ क्लिनिक से हेयर ट्रांसप्लांट कराने का ट्राई किया, लेकिन उन्हें वहां से डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ नहीं मिला। लेकिन फिर ऑनलाइन रिसर्च करके वो आ पहुंचे QHT क्लिनिक पे, या शायद उनकी डेस्टिनी ने उन्हें QHT क्लिनिक तक पहुंचा दिया। तो चलिए मिलते हैं उनसे और जानते हैं कि QHT क्लिनिक में आके उन्हें कैसा लगा। हेलो, मेरा नाम रॉकी है, मैं बिहार से आया हूँ। मेरी उम्र 26 साल है, और जैसा कि देख सकते हो आप, मेरे काफ़ी हद तक बाल्डनेस बढ़ गई है। ये सफ़र मेरा शुरू हुआ था 2016 में, और तब से ये बढ़ता ही जा रहा है। मैंने काफ़ी मेडिसिन भी किया और काफ़ी डॉक्टर से भी दिखाया मैंने, लेकिन अभी तक रुका नहीं है। फिर लास्ट ईयर मैंने एक डॉक्टर से दिखाया था, वहाँ भी नहीं हुआ। फिर मुझे यूट्यूब से QHT उसके बारे में मालूम चला। मैंने यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो देखे थे QHT के, और काफ़ी रिजल्ट भी मैंने देखे जो बहुत ही पॉजिटिव थे। तो अभी मैं हेयर ट्रांसप्लांट करवाने आया हूँ। ये मेरा देख सकते हो ग्रेड 6 की बाल्डनेस है। इसके लिए मुझे एफ्रॉक्स बोला है उन्होंने कि 5000 ग्राफ्ट होंगे। उसके बाद पता नहीं बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ऐसा भी बोला है। अब देखें, इसके बाद कल ट्रांसप्लांट होगी मेरी, उसके बाद का मैं अपना सफ़र आगे आपको बताऊँगा। अभी मैं आया हूँ, इसके वजह से मैं काफ़ी साल से कैप भी पहन रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो ये कैप मैं 2-3 साल से पहन ही रहा हूँ। इसके वजह से मुझे काफ़ी सफ़र करना पड़ा है, जस्ट लाइक बाइक चलाने में, किसी से मिलने में थोड़ा साइड फील होता था। और इस वजह से मतलब कहीं भी जाओ तो कैप एक पहन के बर्डन टाइप लगता था, मतलब बोझ लगता है सर पे वो। तो अभी देखो मैं ट्रांसप्लांट करवाता हूँ, उसके बाद क्या होता है। इसके पहले भी मैं QHT में कराया था ट्रांसप्लांट करवाने, लेकिन उस टाइम कुछ प्रॉब्लम की वजह से मेरा हो नहीं पाया था। ये 2-3 महीना पहले की बात है। तो अभी का मुझे फिर डेट मिला, मैं आया हूँ और कल की डेट है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो हमारे पेशेंट से तो आप मिल ही लिए, अब बात करते हैं उनके अफेक्टेड एरियाज की। नॉर्वुड ग्रेड 6 बॉल्डनेस की वजह से पेशेंट की हेयरलाइन पूरी तरह वैनिश हो चुकी है। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में थिनिंग के साथ साथ बॉल्डनेस भी प्रोमिनेंटली नजर आ रही है। अगर बात करें क्राउन एरिया की तो वहां भी थिनिंग का असर दिख रहा है। लेकिन पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी का चैलेंजिंग पार्ट है बिलो एवरेज डोनर एरिया। तो जैसा कि हमने बताया था कि पेशेंट की हेयरलाइन कम्प्लीटली रिसीड हो गई थी, तो इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के फेशियल एस्थेटिक्स को ध्यान में रखते हुए पेशेंट के लिए कस्टम शेप हेयर लाइन डिजाइन की है, जिसे मिडिल से स्लाइटली लोअर्ड और ग्लैबुलर पॉइंट से 7.1 सेंटीमीटर के प्रिसाइज डिस्टेंस पे मार्क किया गया है। इस पेशेंट को हार्मोनियस लुक मिलेगा और पेशेंट की ओवरऑल अपीयरेंस भी एनहांस होगी। तो अब जानते हैं पेशेंट का हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का एक्सपीरियंस। जैसा कि आप देख सकते हो मेरी सर्जरी हो चुकी है, इसमें कुल 3 दिन की टाइम लगा। पहले दिन टेस्ट वगैरह हुआ, दूसरे दिन 3500 ग्राफ्ट मुझे लगा, तीसरे दिन 1500, कुल मिलाकर मुझे 5000 ग्राफ्ट लगे हैं, जो कि 3500 मेरे बैक एरिया से लिए हैं और 1500 मेरे बीएड एरिया से। इस दौरान मुझे करवाने से पहले बहुत डर लग रहा था, क्या होगा क्या नहीं होगा, डर लग रहा था पेन का कुछ हो ना जाए, फियर काफ़ी डर लग रहा था। लेकिन करवाने के बाद सिर्फ मुझे एनेस्थीसिया के इंजेक्शन टाइम डर लगा, बाकी सब रिलैक्स थे। स्टाफ बिहेवियर काफ़ी अच्छे थे, डॉक्टर भी काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने काफ़ी सपोर्टिव नेचर दिखाया अपना। वक्त वक्त में से पूछते रहे कि दर्द तो नहीं हो रहा है या हो रहा है, तो मतलब एक फ्रैंकली मोमेंट था वो। और
ये हो चुका है, अब आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो मेरी हेयर लॉस की कहानी मैं चालू करूँ तो यहाँ से 7-8 साल पहले चालू हुआ था, आप देख सकते हो 7-8 साल मैंने ट्रांसप्लांट कराया। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप भी हेयर लॉस से सफ़र कर रहे हो तो ट्रांसप्लांट जरूर करवाओ, ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। मुझे भी आने से पहले काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन आने के बाद करवाने के बाद मुझे पता चले काफ़ी सेफ प्रोसीजर है, कोई पेन नहीं होता है, आप लोग अपने कॉन्फिडेंस वापस पा सकते हो हेयर ट्रांसप्लांट करवाकर। एंड लास्टली मैं ये कहना चाहता हूँ थैंक्स फॉर क्यूएसटी, और अब मैं मिलता हूँ रिजल्ट के बाद पीआरटी सेशन में। हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के हेयरलाइन जोन में नेचुरल लुक को मेंटेन करने के लिए सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स का स्ट्रेटेजिकली यूज किया है। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में डेंसिटी और वॉल्यूम को बूस्ट करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स का यूज किया गया है। क्राउन एरिया की बात करें तो इसे ब्लैक होल ऑफ स्कैल्प भी कहा जाता है। क्राउन एरिया में ग्राफ्ट्स इम्प्लांट करना चैलेंजिंग रहता है क्योंकि यहाँ ग्राफ्ट्स को डिफरेंट एंगल्स में इम्प्लांट करना पड़ता है, इससे क्राउन एरिया में नेचुरल स्वर्ल क्रिएट होता है और इसीलिए क्राउन एरिया में ज्यादा ग्राफ्ट्स की नीड होती है। इस सर्जरी में टोटल 5000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए हैं और ये ग्राफ्ट्स पेशेंट के डोनर एरिया से ही नहीं बल्कि बियर्ड जोन से भी मेटिकुलसली एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे पेशेंट की केस स्टडी जिसमें हमने देखा कि कैसे क्यूएसटी क्लिनिक के एक्सपर्ट्स ने एक कॉम्प्लेक्स केस को हैंडल किया और एस्टोनिशिंग रिजल्ट्स अचीव किए। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।